दुर्ग नगर निगम द्वारा इंटरकनेक्शन कार्य किए जाने को लेकर शटडाउन किया जा रहा है, जिसके चलते शहर के कुछ वार्डों में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस असुविधा के लिए निगम आयुक्त व महापौर ने शहर की जनता से खेद व्यक्त किया। दुर्ग नगर पालिका निगम ने शासकीय लोक कर्म विभाग के द्वारा मालवीय नगर स्थित पुरानी पुलिया को तोड़ने का कार्य शीघ्र चालू किया जा रहा है, जिसके चलते गुरुवार 20 जनवरी को इंटर कनेक्शन बंद कर पुरानी लाइन को बंद कराकर शिफ्टिंग किए जाएंगे, पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा। इसके चलते दीपक नगर वार्ड 23 आमदी गुरुद्वारा नगर वार्ड 24 वार्ड 47 रायपुरना का वार्ड 48 पुलिस लाइन एवं वार्ड 29 के कुछ जगहों में 20 जनवरी की सुबह तक पानी की सप्लाई जारी रहेगी। वहीं 20 को शाम व अगले दिन 21 को सुबह व शाम दोनों टाइम शटडाउन के लिए जाने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी, जो 22 से सप्लाई चालू भी की जाएगी। गौरतलब है कि शहर के जल प्रदाय प्रभावित 5 क्षेत्रों में वार्ड के नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी एवं जल कार्य विभाग प्रभारी संजय कोहले ने खेद प्रकट करते हुए अपील की है कि गुरुवार शाम को और अगले दिन शुक्रवार 21 को सुबह एवं शाम के लिए आवश्यक मात्रा में पानी स्टोर कर लें। वहीं आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी सप्लाई की जाने की बातें उन्होंने कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।